अभी जो है कि मध्य प्रदेश में एक बेस्टेड डिस्टर्बेंस है जो लॉन्गिट्यूड 70 अंश और लेटिट्यूड 28 अंश पर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ के साथ पशिश कर रहा है और एक नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश पे एक साइक्लिक सर्कुलेशन है। एक मध्य प्रदेश के ऊपर भी नॉर्थ वेस्ट पे 0.9 पे सर्कुलेशन है। एक सौराष्ट्र में सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण जो मध्य प्रदेश में कुछ जगह जो है रेनफॉल होने की संभावना गस्टी विंड के साथ वो जिले हैं भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर और उज्जैन संभागों में, और कुछ जिले जो हैं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी, और इधर जो है ईस्ट भाग में देखेंगे तो जो नर्मदापुरम और सॉरी ईस्ट भाग में देखें नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर। ये प्री मानसून एक्टिविटीज है और जो अधिकतम तापमान जो है कि बिजावर जो छतरपुर के पास है वहाँ 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुछ जगहों पर रेनफॉल भी प्राप्त हुआ है कि जो जैसे राजगढ़ में पचौर है वहाँ 33 और डिंडोरी में 43, धार में 42। हाँ, लू भी चलने की थोड़ी संभावना है क्योंकि जो है ना टीकमगढ़, छतरपुर, निवारी और ये दतिया में हीट वेव की संभावना रह सकती है।